वन ऑफ दी लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो अनसर्टेनिटी के बारे में क्या सबको पता है, व्हाट इज एन अनसर्टेनिटी? ठीक है, कुछ आइडिया व्हाट इज एन अनसर्टेनिटी? अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखने को जाऊं तो हाउ कैन आई पुट दिस इन वर्ड्स? सही है। सो अब्दुल्ला हसनैन ने कहा हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, वो सही बात है, दैट इज गुड, दैट इज गुड पॉइंटर। लेकिन वो थोड़ा सा हम कह लो कि एक केस में, हम एक केस में उस चीज को लेंगे, ठीक है। बाकी हमें जो है वो अलमा ने बताया है कि पॉसिबल एरर इन एनी वैल्यू, दैट आई वुड से इज अ बेटर थिंग। अब्दुल्ला तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन हम उसको कहीं और फिक्स करेंगे, वो एक छोटी कैटेगरी ऑफ अ ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, सो अनसर्टेनिटी के लिए आई वुड रिकमेंड कि इसको याद रखो कि इस तरह से के द रेंज इन विच योर मेजर्ड वैल्यू लाइज, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? नाउ अब देखो, हमने कोई भी चीज मेजर करी, ठीक है, कोई भी चीज मेजर करी, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, द मेन फैक्टर बीइंग के एक स्केल में, फॉर एग्जांपल एक स्केल में यू कैन नॉट रीड प्रॉपरली, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो भी होगी, फॉर एग्जांपल अगर स्केल में आपके पास स्केल के बीच में यहां आ रही है रीडिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू मार्क दिस लाइन ऑफ, तो मुझे बताओ व्हाट शुड आई कॉल दिस रीडिंग? आप उसको, कोई उसको बोलेगा 0.25, ठीक है, कोई किसी एंगल से बोल रहा होगा तो 0.5 बोल देगा, कोई किसी एंगल से 0.75 बोल देगा, कोई कुछ और ही बोल देगा। तो यू कैन हैव एन एरर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। एक उसमें से फैक्टर आ गया कि कभी कभार स्केल के लाइनों के बीच में रीडिंग आ रही होगी, तो वी कैन नॉट से के फॉर श्योर ये क्या है, ठीक है। तो उस केस में वी हैव टू अकाउंट फॉर आर लिमिटेशन, जो हमारी मेजरिंग की एक्यूरेसी है, हमें उसको एक लिमिटेशन की वजह से हम उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे से कोट करना पड़ता है, और ये भी दिखाना पड़ता है कि अगर हमने इवेंचुअली कैलकुलेशन कर ली है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हद तक वो सही है और कितने हद तक वो गलत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सो टू कोट अनसर्टेनिटी, ठीक है, सपोज करो हमने जो है वो मेजर करी स्केल से एक लेंथ एंड दैट वॉज 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज 2 सेंटीमीटर्स। अच्छा, आई वॉन्ट टू टेक अ बिट मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, लेट्स गो विद 2.0 सेंटीमीटर्स एंड प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा जी, अब अनसर्टेनिटी लिखने का सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सपोज करो आपने कोई लेंथ मेजर करी 2 सेंटीमीटर आ रही थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 2.5 है या 1.5 है, कुछ उस तरह से, यू हैव दिस अनसर्टेनिटी। क्यों हम अकाउंट करते हैं, हम इसकी भी डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कैसे अनसर्टेनिटी से हमें वर्क करना। अच्छा, 2.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, दिस थिंग जो आपकी असल वैल्यू है जो आपने मेजर करी है, आप उसको कहते हो प्रिंसिपल वैल्यू। दिस इज योर प्रिंसिपल एंड ये जो है ये आपकी कहलाती है अनसर्टेनिटी। This is the actual uncertainty, यानी आप कह रहे हो मेरी 2.5 भी हो सकती है वैल्यू या 1.5 भी हो सकती है, इस रेंज के अंदर मेरी असल वैल्यू जो है वो लाई करती है, और सबसे मेरी प्रोबेबिलिस्टिक आंसर है वो मेरा 2.0 आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज ये याद रखना कि अनसर्टेनिटी को हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक कोट करोगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसको हम लिख ही लेते हैं पूरा, वन सिग्निफिकेंट फिगर। एंड जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी यू विल कोट इट टू 2 decimal places ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, तो सपोज करो ये वैल्यू असल में जो आई थी मेरे पास आई थी 0.456, ठीक है, तो मैंने इस वैल्यू को सबसे पहले ये चीज करी, आई कन्वर्टेड दिस टू वन सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि ये मेरी अनसर्टेनिटी है, तो मैंने इसको बनाया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू थी सपोज करो वो 2 सेंटीमीटर थी सिर्फ, ठीक है, बट मुझे लाजिम है मेरे ऊपर कि मेरी जो डेसिमल प्लेस आ रही है ऑफ द अनसर्टेनिटी, मैं इसको उधर तक ही एक्यूरेट करके लिखूंगा, क्योंकि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने 2.1 decimal place तक मैंने एक्यूरेटली मेजर किया है, उसमें मेरी ये एरर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसका हम बड़ा ख्याल रखेंगे कि आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को डेसिमल प्लेस तक कोट करोगे फॉर दी अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के लिए रूल ये है कि आप हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक अपनी वैल्यू जो है वो कोट करते हो,
ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड टू कंबाइन अनसर्टेनिटीज. ठीक है, एक छोटी सी हमें पहले डिस्कशन करनी है जो इतनी कोई खास आती नहीं है. सो लेट्स मूव दैट आउट इन आउट ऑफ द वे. कंबाइनिंग अनसर्टेन, लेट्स पुट कंबाइनिंग अनसर्टेनिटीज. अच्छा जी, आई एम गोइंग टू गिव यू टू वेरिएबल्स. ठीक है, इनकी वैल्यूज मैं फिक्स रखूंगा. ए इज 8.5. आई एम गोइंग टू एक्चुअली सी के सो दैट वी कैन कंपेयर आवर आंसर्स. अच्छा जी, 8.5 एंड प्लस माइनस, लेट्स पुट दिस इन एज 0.1. सो 8.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड बी जो है वो क्या है? बी है 9.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस, एंड आई एम गोइंग टू कोट दिस एज 0.1 सेंटीमीटर एज वेल. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हैं, एक आपने ए मेजर किया है और आपने एक बी मेजर किया है. दोनों में 0.11 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है और उनकी एक्चुअल प्रिंसिपल वैल्यूज ये है. मेक श्योर के देख लो, वी हैव नॉट, मैंने यहाँ पे आपको कोटेशन में जो करी है वो एग्जैक्टली फॉलोइंग द रूल्स करी है. डेसिमल प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी और वन डेसिमल प्लेस आपकी वन सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दी अनसर्टेनिटी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट हाउ यू वुड बी कोटिंग एन ए प्लस बी. सो हाउ शुड वी बी कोटिंग एन ए प्लस बी? ठीक है, सबसे पहले तो ए प्लस बी हो रहा है, सो उनकी प्रिंसिपल्स आप ऐड कर लोगे. 8.5 प्लस 9.5 क्या हो जाएगा? व्हाट्स 8.5 प्लस 9.5 जल्दी से. तो वाह, 8.5 प्लस 9.5 नहीं हो रहा, 18. वेरी गुड, सो 18 हमारे पास आंसर आ रहा है. आई ने और अच्छा आंसर दिया है, उसके लिए हम एक और स्टेप करते हैं. अब अगर मुझे निकालनी है दी अनसर्टेनिटी, ठीक है, अगर मुझे निकालनी है अनसर्टेनिटी तो लेट्स डू दैट. अच्छा, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस अ सेपरेट वैल्यू के ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी है. ठीक है, तो असल में सी ये आ गया, और सी के अंदर अगर मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आई विल गो ऑन एंड जस्ट ऐड दी अनसर्टेनिटीज. ठीक है, जब सिंपल एडिशन हो रही है, गो ऑन एंड जस्ट सिंपली ऐड दी अनसर्टेनिटीज. 0.1 प्लस 0.1 तो आपके पास आ गई 0.2. सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे? वन सिग्निफिकेंट फिगर तो है. ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक है. तो अब अगर मुझे सी का फाइनल आंसर लिखना है तो प्लस माइनस मेरी 0.2 सेंटीमीटर है, और मुझे 18 को टू 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 द डेसिमल प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी लिखना है, तो आई विल राइट दिस डाउन एज 18.0. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, और अब हम करेंगे सी इक्वल्स टू बी माइनस ए. ठीक है, सो बी क्या है? बी एवरीवन नोज के बी इज 9.5, और उसमें से अगर मैं 8.5 निकाल दूं, ठीक है, ये मैं खुद कर लूंगा, 1 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया. एंड देन इफ आई वांट टू टेक आउट दी अनसर्टेनिटी इन सी, ठीक है, मेक श्योर अनसर्टेनिटीज कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती. ठीक है, वॉट एवर दी ऑपरेशन यू विल नेवर सब्ट्रैक्ट दी अनसर्टेनिटीज. तो इस केस में भी डेल्टा सी क्या होगा? 0.1 प्लस 0.1 होगा. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट. 0.1 प्लस 0.1 यू विल गेट 0.2 सेंटीमीटर्स. सो आपके पास इधर भी सी क्या आ गया? सी अगेन इसको कोट करोगे टू डेसिमल प्लेस ऑफ दिस, सो 1.0 एंड देन प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स. एक्चुअली अक्सर ओवेश्तर यू विल नेवर बी गेटिंग ऐसे सवाल. ठीक है, आपके पास ऐसी चीजें तो नहीं आ रही होंगी कि सिंपल एडिशन या सिंपल सब्ट्रैक्शन वाली, लेकिन इसमें एक चीज का जो है वो जरा ख्याल रखिएगा, और वो चीज क्या है? ठीक है, आई एम गोइंग टू फॉर्ज अ क्वेश्चन जल्दी से, एंड लेट्स सी इसका आंसर सब लोग कैसे देते हैं. अ स्केल हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर शोन बिलो इज द स्केल बीइंग यूज्ड टू मेजर ए लाइन. ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूं आपको कैसे दिख रहा है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन? लेंथ ऑफ द
line with its uncertainty. अच्छा जी, सो सपोज करो आपका स्केल जो है वो ये है, एंड दीज आर योर मार्किंग्स, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज एट, एंड हियर इज योर लाइन. आपकी लाइन जो है वो टू से सिक्स के बीच में आ रही है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस लाइन, और इसकी जो वैल्यू होगी इसमें मैं अनसर्टेनिटी क्या लिखूंगा. जल्दी से, ठीक है, और कोई देना चाहेगा जवाब? या डज एवरीवन वांट टू अग्री विद अल्मा? ओके, सो इट सीम्स सबके साथ ये बात क्लियर है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम इसको बात को समझें, ठीक है. आई सेज 4.0, अच्छा जी, एंड आई व्हाट वुड बी द अनसर्टेनिटी फिर? ओके, सो व्हेन मेजरिंग ऑफ अ स्केल, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है. दिस वैल्यू इज एक्चुअली 6 ± 0.5, एंड दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2 ± 0.5. सो जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, 6 - 2 ये आ गई 4, एंड देन यू आर वांटिंग टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी. डू मेक श्योर कि स्केल दिया हुआ है, जब उसमें आप स्केल के बीच में से कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो उसका ख्याल रखो कि ये आपको अनसर्टेनिटी दो दफा लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स फॉलोइंग दिस वाला रिलेशनशिप, ठीक है. तो इसमें 0.5 प्लस 0.5 आपको करना पड़ेगा. सो 0.5 प्लस 0.5 जब आपने किया तो आपके पास आया 1 cm. 1 cm ऑलरेडी 1 significant फिगर है, तो हमें कोई मसला नहीं है, इसलिए आई विल कोट द लेंथ एज 4 ± 1 cm, ठीक है. दिस इज द करेक्ट आंसर इफ यू राइट 4 ± 0.5 cm, क्योंकि अक्सर बेशतर जल्दी जल्दी में हमारे दिमाग से निकल जाता है कि दोनों साइड्स पे वही अनसर्टेनिटी अप्लाई कर रही है, ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड, एंड ये हो गया आपका आंसर करेक्ट टू फॉलोइंग ऑल ऑफ दी हमारी जो है वो क्या कहते हैं रूल्स. ओके, नाउ लेट्स हॉप ऑन टू some more things. वही ए बी की वही वैल्यूज है, ए अभी भी 8.5 है प्लस माइनस 0.1, और बी अभी भी वही है, ठीक है. अब जो है सी जो है वो है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है. वेन एवर यू गोइंग टू गेट अ मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले तो हम सी निकाल लेते हैं. देखो जो सी है वो तो निकालने का वही तरीका है, सो यू विल गेट 8.5 इंटू 9.5. आपने वैसा का वैसा किया, जो आंसर आ रहा है आप लोग मुझे बता दो व्हाट द आंसर, ठीक है. बट वेन एवर टू क्वांटिटीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू टेक दी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये होगी कि आप लोगे डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है. ये किसके बराबर होगा? ये होगा डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर, और प्लस अनसर्टेनिटीज हमेशा जो है वो ऐड होंगी, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो ये डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस आउट. डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए वाज 0.1, ए खुद 8.5 था, डेल्टा बी क्या था? डेल्टा बी वाज 0.1 और बी जो है वो खुद 9.5 था. अच्छा, दूसरी बात इसमें ख्याल रखने की जरूरत, इसमें आसानी इस चीज में रहेगी कि देखो ये भी सेंटीमीटर हुआ और ये भी सेंटीमीटर हुआ, तो ऊपर नीचे सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो व्हेनेवर यू वर्किंग आउट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज, इसमें यूनिट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, व्हाटएवर. फॉर एग्जांपल, यू डू नॉट नीड टू कन्वर्ट, बिकॉज एवरीथिंग जो है वो वैसी की वैसी ही हो रही है, ठीक है. एंड इधर आपके पास डेल्टा सी आ गया, और आपने एक पहले से ही अपना सी ढूंढा हुआ है, दैट इज 80.75, ठीक है. तो कैन एनीवन जल्दी से कैलकुलेट दिस थिंग आउट एंड देन मल्टीप्लाई दिस एंड गिव मी द आंसर, ताकि हम ये सब चीजें देख के एंड देन लेट्स हैव अ डिस्कशन इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम. यू गाइस डू द कैलकुलेशन. 1.8 आंसर, ठीक है. सो द आंसर वी आर गेटिंग इज 1.8 सेंटीमीटर्स. अच्छा जी, अब मुझे बताओ हाउ विल आई कोट द फाइनल आंसर ऑफ दिस. सो द रूल वॉज रूल ये था कि
आप जो है अपनी अनसर्टेनिटी को कर देंगे वन सिग्निफिकेंट। वन सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगी सीधा सीधा 2 सेंटीमीटर, नॉट 2.0, नॉट 1.8, नॉट एनीथिंग, सीधा सीधा 2 सेंटीमीटर 8 इसको राउंड ऑफ कर देगा ये। और अब अगर मुझे इसको लिखना है सो आई हैव टू कोट दिस टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ दिस, तो अगर ये यूनिट्स में आ गया है तो मेरा ये भी यूनिट्स पे आके एंड हो जाना चाहिए, तो ये 7 इसको राउंड ऑफ करके 81 कर देगा एंड आई विल गेट द आंसर 81 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर्स एज माई आंसर फॉर सी। ठीक है, सबको बात क्लियर? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये होती है कि आप लेते हो जो आपकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी है उसको अपनी प्रिंसिपल से डिवाइड करते हो एंड देन, तो जैसे सी था तो सी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी विल इक्वल टू ए की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी प्लस बी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, वी हैवंट डिस्कस्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी एज ऑफ येट, इसमें मैं खुद लेके आऊंगा थोड़ी देर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, एंड अब जो है वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस दिस थिंग, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी। सो अगर हम ये करेंगे तो 8.5 डिवाइडेड बाई 9.5 हमारे पास आ गया। ठीक है, सो व्हाट्स द आंसर टू दैट? ओके, सो वी गेटिंग अ 0.89। और अगर डिवीजन के लिए देखोगे तो डिवीजन का भी सेम, सी लिखा हुआ है डेल्टा सी अपॉन सी कर दो, ए है डेल्टा ए अपॉन ए, बी है तो आपने डेल्टा बी अपॉन बी कर दिया एंड दैट्स इट, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर देखोगे तो ये जो है वो यही साइड की तरह है, बस हमारी प्रिंसिपल अलग है, सो वील हैव टू डू द कैलकुलेशन ओवर हियर एज वेल। सो डेल्टा सी जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए वॉज 0.1 अपॉन 8.5, देन वी हैड 0.1 अपॉन 9.5 एंड ये हो गया 0.89। सही है, देन लेट्स कैलकुलेट दिस एंड मल्टीप्लाई दिस ओवर देयर। थैंक यू, आई थैंक यू वेरी मच। 0.0198 दैट इज दी अनसर्टेनिटी इन सी। ठीक है, सो अब मुझे बताओ हाउ शुड आई कोट माई फाइनल आंसर? अच्छा जी, ऑल्सो इफ वी कैलकुलेट दिस अ बिट मोर प्रॉपरली तो हमारे 0.895 आ रहा होगा। ठीक है, आई थिंक इट इज अ 0.895, तो लेट्स ट्राई टू कीप दिस मच बी एज वेल। सो अब बताओ क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर? वेरी गुड, वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स, सो वेरी गुड। सो सी इक्वल्स टू क्या चीज, यू गेट दिस आंसर 0.895। अच्छा पहले तो इसको राउंड ऑफ कर लो, वन एस एफ वन एस एफ, तो 0.02 हो जाएगा ये सिर्फ। ठीक है, सो 0.02 ये आ गया। अब ये सेकेंड डेसिमल प्लेस तक हमें सही लिखना है, सेकेंड डेसिमल प्लेस ये आ रही है लेकिन देखोगे 5 इसको राउंड ऑफ कर देगा, सो वील हैव टू राउंड दिस ऑफ। जब इसको राउंड ऑफ करेगा ये इसको भी आगे भी राउंड ऑफ कर देगा, बिकॉज 9 को राउंड ऑफ करोगे तो आगे वाले राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 0.90 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब्दुल्ला आपको अभी तक क्लियर है यहां तक? वी डिड नॉट डिस्कस एनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कुछ हो गया। अच्छा ना, सबसे पहले तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हम इतना तो देख लिया। ठीक है, ना रिमेंबर सम थिंग्स, व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, आई वांट यू गाइस टू नो कि इस चीज को सिर्फ जब मैं डेल्टा सी लिख रहा हूं दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली। एंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस एज डेल्टा सी, डेल्टा सी को अपनी प्रिंसिपल के ऊपर कर देता हूं तो दिस इज नोन एज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक्चुअली। दूसरी बात एक और, इधर हम थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिर्फ सी क्या है, सिर्फ सी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अच्छी, नाउ देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट यू कैन बी आस्क्ड अबाउट, और वो क्या है, वो ये है कि फ्रैक्शनल को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, जैसे परसेंटेजेस क्या होती है, आपके कितने मार्क्स आए 100 में से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स आए 67 आउट ऑफ 100, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी जितने आए उसको टोटल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज
अनसर्टेनिटी, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग एल्स टू दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी. यू कैन डू द कैलकुलेशन इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आप करना चाहो, आप कर सकते हो कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन सर्टेनिटी या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू दैट. उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि उसमें उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू बी डिस्कसिंग वन मोर स्मॉल टॉपिक, वन मोर स्मॉल थिंग विद यू. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. सो कोई बात नहीं. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर स्मॉल टॉपिक विद यू कि अगर ये लिखा हुआ है सी इक्वल्स टू ए एक्स इंटू बी वाई एंड अपॉन सी की पावर जेड. So, how will I calculate the uncertainty in this question? ठीक है, इसमें भी देखो multiplication भी हो रही है, division भी हो रही है. तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा जो multiplication division वाला है वो आप ले लोगे, ठीक है. कुछ कुछ मैं चीजें समझाता रहूंगा, अभी मेरे साथ सिर्फ वर्कआउट करोगे तो चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी. तो इसमें डेल्टा सी अपॉन सी वही चीज, अच्छा जी डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे हम, डेल्टा बी अपॉन बी लिखेंगे हम, और डेल्टा सी अपॉन सी लिखेंगे हम, ठीक है. और क्या करेंगे, अब देखो इनके ऊपर पावर्स भी हैं, तो इनको अपनी पावर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सही है. यहां तक बात क्लियर, हमें अगर पावर्स दी हुई हैं तो फ्रैक्शनल सर्टेनिटी को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है, सिंपली जो जो पावर्स से मल्टीप्लाई. हाँ सही है. खैर माइनस थ्री लिखा आएगा नहीं कभी इस तरह से, क्योंकि माइनस थ्री लिखा होगा तो नीचे जाके थ्री कर सकते, मतलब ऑब्वियसली अगर ये माइनस थ्री लिखा हुआ था तो ये ऊपर जाके इसको प्लस थ्री कर लेना और फिर प्लस थ्री की पावर देना, ठीक है. तो यू विल पुट द इंडाइसेस वाली चीज सारी पॉजिटिव वाली चीज में ही, क्योंकि माइनस भी लिखा हो तो उसको ऊपर नीचे लेके जाके वो सब कुछ बैलेंस हो सकता है. उधर हमारा सबका जो है वो एक स्टैंड पॉइंट हो जाए कि हम उधर कोई मसला नहीं. अच्छा अब इसमें एक और बात आप लोग क्या समझनी है, वो ये समझनी है, हम अभी तक बात कर रहे थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, प्रिंसिपल वैल्यू की. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर उसकी प्रिंसिपल के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी बन जाती है, ठीक है, जो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केसेस में हम सॉल्व कर रहे थे. अच्छा अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाती है, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाती है, ठीक है. अच्छा अब सपोज करो मैंने आप लोगों से डेल्टा सी नहीं पूछा, मैंने आप लोगों से डेल्टा सी नहीं पूछा, मैंने आप लोगों से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन सी नहीं पूछी, बल्कि मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 बता दो. ये पूरी चीज क्या कहलाती है, ये पूरी चीज कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी. ये पूरी जो वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी कहलाएगी, ठीक है. अच्छा अगर हम अपनी वर्किंग को इसी को देखेंगे थोड़ा सा, तो ये देखो डेल्टा सी अपॉन सी किसके बराबर था, इस सब चीज के बराबर. सो एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वाई डेल्टा बी अपॉन बी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन सी. अच्छा अब देखो सिर्फ इधर एक क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है कि जब डेल्टा सी अपॉन सी ये चीज थी उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने सीधा सीधा 100 मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, है ना. तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज के मैं यहां पे पूरी चीज में क्या कर सकता हूं, 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी आ जाएगी, ठीक है. एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर. अब इसमें अब्दुल्ला तुम्हारी अप्रोच में अप्रूव कर देता हूं, वो चलती क्यों है. देखो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 क्या था, ये सब चीज थी इंटू 100, है ना. अब तुम्हारी अप्रोच क्या थी कि मैं सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूं, सबको ऐड करूं और वो मेरी इवेंचुअली क्या आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी और फिर मैं उसमें से डेल्टा सी निकाल लूंगा इस फॉर्मूले में लग के, ठीक है. तो मेरा बच्चा देखो तुम्हारी अप्रोच यहां से आती है कि एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है. 100 को मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये सारी टर्म्स प्लस हो रही है तो 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जाके हर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 100 को, ये कर सकता हूं मैं.
ठीक है, बहुत ज्यादा हम क्वाइट हो गए हैं, तो मुझे बताओ एनी प्रॉब्लम्स विद दिस थिंग, कि मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने 100 को इंडिविजुअली जाके सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब 100 को इंडिविजुअली जाके सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उसके ही बराबर है कि मैं सबकी पहले फ्रैक्शन निकालता और फिर 100 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। देखो देयर इज नथिंग दैट इज डिफरेंट, कुछ भी नहीं हुआ डिफरेंट है, सारी अभी तक मैथमेटिक्स ही चल रही है। निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला है, अनसर्टेनिटी लो, ठीक है, पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर लो। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ढूंढनी है तो आपको पता है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी है, इसमें क्या होगा, परसेंटेज ढूंढनी है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ये पूरी चीज डेल्टा सी अपॉन सी थी तो इसके साथ पूरी साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको इंडिविजुअली सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही दी हुई है, यानी मतलब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए दी हुई है, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी बी दी हुई है, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी सी दी हुई है, तो आप सीधा सीधा इस पूरी चीज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए डाल दोगे, आप इधर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी डाल दोगे, और आप इधर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ सी डाल दोगे, और आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी आ जाएगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपको पता है जो भी आपकी वैल्यू आई वो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 किसके बराबर आ रहा है, वो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी के बराबर आ रहा है, सब चीजें उधर ले जाओ, डेल्टा सी विल इक्वल टू परसेंटेज सी डिवाइड बाय 100 इंटू सी, आपके पास डेल्टा सी आ जाएगी, एब्सोल्यूट आ जाएगी, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एनी रटा रटाया मेथड, हमारे पास मेथड एक ही है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सारी एड होती है, परसेंटेज ढूंढनी है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इधर आइडर इंडिविजुअली सब में जाके मल्टीप्लाई कर दो या बाहर अलग से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, जैसा हमसे क्वेश्चन जो चीज डिमांड करेगा मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है अभी भी कुछ कुछ हद तक ये चीजें अनक्लियर होंगी, और ये चीजें सिर्फ क्लियर कैसे होंगी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों के साथ, जो है इसके साथ वर्किंग करूंगा, ठीक है। सो लेट्स लुक इन टू डूइंग सम क्वेश्चन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पहले देनी पड़ेगी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, आपको क्या दिया हुआ है, इट्स अ पिरामिड, ठीक है, उसकी स्क्वायर बेस है, द मास एम ऑफ द पिरामिड इज गिवन बाय 1/3 रो एच एक्स स्क्वायर्ड, रो इज द डेंसिटी, एच इज द हाइट, एक्स इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस, मेजरमेंट्स आर टेकन एज शोन इन फिगर टेबल 1.1, ठीक है, फिगर नहीं टेबल 1.1। अच्छा जी, एम मेजरमेंट उसकी ये है, परसेंटेज उसकी ये है, एक्स मेजरमेंट इसकी ये है, परसेंटेज इसकी ये है, एच मेजरमेंट ये, अनसर्टेनिटी ये, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ ऑफ एक्स, तो अगर मुझे एक्स की लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए है तो मुझे पता है उसकी परसेंटेज 5 है, तो आई कैन पुट 5, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 के, ठीक है। सो मैं डेल्टा एक्स, एक्स की जगह जो है मैं डाल देता हूं इसकी मेजरमेंट जो इसकी 4 सेंटीमीटर की थी, एंड लेट्स पुट एवरीथिंग ओवर देयर, सो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, सो व्हाट्स दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी, ठीक हो गया, चलो, सो वी आर गेटिंग 0.2 सेंटीमीटर, करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट, हम इसको 0.2 ही लिखेंगे, सबको ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में अभी तक, ओके नो प्रॉब्लम्स। सो नाउ द डेंसिटी रो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट्स इन टेबल 1.1, डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रो। अच्छा जी, रो देखो सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में रो को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, रो को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास आया 3m/hx², 3 उधर मल्टीप्लाई hx² डिवाइड 3m/hx² आ गया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अगर इस फॉर्मूला को देखते हुए हम परसेंटेज आंसर निकालना चाहें तो आई विल नॉट यूज 4 × 5 और 4 × 5%, यू विल डू 4 × 5, ठीक है, 5% ये है, वो दिखा रहा है ये आंसर परसेंटेज आंसर, ये परसेंट को नहीं देना, ठीक है, जस्ट की टेक द 5, सही है। अच्छा जी, 3m/hx², मैं इधर जो है वो ये चीज लिख रहा हूँ, 3m/hx². अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, ए मन आ गई है वापस, सो डेल्टा रो अपॉन रो विल इक्वल टू 3, कांस्टेंट है उसकी नहीं लेंगे, बाकी सब चीजों की लेंगे, सो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एच अपॉन एच प्लस x² है, सो 2 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, सो 2 टाइम्स डेल्टा x/x। अच्छा, अब मसला क्या है, आपको निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मुझे जो है
यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ठीक है। तो अगर मैं इधर 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पूरी चीज के साथ इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे आपको सारी यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई विल टेक दिस 100 इन साइड, तो यानी मैं कर दूंगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, मैं कर दूंगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100, और मैं कर दूंगा 2 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ठीक है। और इसको हम ठीक है, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं एंड लेट्स पुट इट समथिंग लाइक दिस ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये देखोगे डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 क्या है, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड एम है। तो मैं सीधा सीधा उठा के एम की ये वाली वैल्यू 2 क्या करूंगा, ये पूरी चीज 2 है। डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 क्या है, वो पूरी चीज थी 4, तो मैं पूरी पूरी चीज उठा के क्या करूंगा 4 इधर लिख लूंगा। और ये चीज डेल्टा ये एक्स के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी 5 थी, तो आई विल पुट इन 5 इस पूरी जगह में, 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ 5, सीधा सीधा डायरेक्ट आपके पास क्या आएगी, आपके पास डायरेक्ट डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, जो आपको असल में कैलकुलेट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो, वो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगी विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग। ये नहीं करना पड़ा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो, ये नहीं करना पड़ा कुछ और नहीं, इसी तरह आई विल डू मोर क्वेश्चन विद यू और हम चीजें जो है वो देखते जाएंगे। मुझे सबसे पहले तो इसका आंसर बताओ और सब चले ये भी कंफर्म करो कि ये समझ में आया मैंने क्या किया है। लेट्स लीव दीज टू क्वेश्चन आउट ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, वन एंड ऑफ अ वायर इज अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट, अ लोड इज अटैच टू द अदर एंड सो दैट द वायर हैंग्स वर्टिकली, द डायमीटर डी ऑफ द वायर एंड द लोड एफ आर मेजर्ड एज डी इक्वल टू 0.40 प्लस माइनस 0.02, और एफ जो है वो इस तरह से मेजर हो रहा है ठीक है। लेट्स लीव दीज टू क्वेश्चन आउट एंड द स्ट्रेस इन द वायर इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द एक्सप्रेशन 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो कह रहे शो दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज दिस मच, तो दिखा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेस इज 4 टाइम्स फोर्स, फोर्स की प्रिंसिपल लेंगे 25 है ठीक है, अपॉन पाई इंटू डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर क्या था, डी इज द डायमीटर, सो 0.40 मिलीमीटर्स में ठीक है। सो मेक श्योर 25 न्यूटन था, ये मिलीमीटर्स में है, विल हैव टू टेक दिस इन दी एसआई यूनिट्स, सो 0.40 into 10 to the power -3। आई होप सबको अपनी पावर्स याद हो, तो into 10 to the power -3 कर रहे हैं एंड देन वील पुट दिस इन एस स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है जो ये बोल रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 1989 ठीक है, 43678.9। अच्छा ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बुक्स बहुत ही मैंने गंदे तरीके से लिखा है, चले खैर थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी तो हमारे पास जो है वो ये आर। अच्छा नाउ हाउ वुड आई कन्वर्ट दिस इनटू दिस, सबसे अच्छा रूल क्या होता है कि यू टेक द डेसिमल पॉइंट आफ्टर योर फर्स्ट जो भी नंबर आ रहा है ठीक है। तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लेते हैं 1 पॉइंट, और वो कह रहे हैं 99, तो हमें दिख रहा है 99 तो हो रहा है, एंड देन लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है डेसिमल के बाद, सो into 10 to the power 8। तो आप बेसिकली डेसिमल को जब इधर से उठा के इधर लेके आए तो आपको 8 दफा मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ठीक है। सो वी इन फैक्ट आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा अब कहते हैं आपको डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द स्ट्रेस वैल्यू। अच्छा जी अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू नो कि आपका जो स्ट्रेस है वी वॉन्ट टू ना डेल्टा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस ठीक है, फॉर्मूला को देखते हुए कर रहा हूं। सो डेल्टा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस विल इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ ठीक है। 4 को ही लेंगे कांस्टेंट है, पाई को ही लेंगे कांस्टेंट है, डी स्क्वायर को लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 2 ठीक है। अच्छा जी हमारे पास ये चीज भी आ गई है। अब वो क्या कह रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल दो, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहाँ से आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहां से आएगी के अच्छा लेट्स टेक दिस अ लिटिल टू ओवर हियर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए मुझे इधर 100 मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, मैं इधर पूरी चीज में 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो अब अगर ये देखोगे कि मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कुछ नहीं लेके जाने, आई कैन डू द कैलकुलेशन डायरेक्टली ओवर हियर। डेल्टा एफ की जगह डेल्टा एफ डालते हैं, सो आई विल पुट इन 0.5 ओवर हियर, 0.5 अपॉन 25 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी। सो डेल्टा डी क्या है, दैट 0.02 अपॉन 0.40, सो 0.02। ठीक है, इस दफा देखो कन्वर्जन नहीं कर रहा, क्यों, बिकॉज ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, एंड देन इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं टू गेट माय आंसर। ठीक है, तो अब देखो विदाउट कन्वर्टिंग एनीथिंग इनटू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या अप्रोच होती है, यू वुड हैव फर्स्ट कन्वर्टेड दिस इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर करते, ठीक है, और फिर आंसर आता एंड में। तो हमने क्या किया, इट्स जस्ट वो दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला तुम्हारा कहाँ से आया एंड हाउ यू कैन जस्ट यूज सिंपल मैथमेटिक्स और सब चीजें सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा भी सवाल आ जाए। एंड आई यू आर कंप्लीटली करेक्ट, 12 ही आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। सो 12% हमारे पास ये आ रहा है, सो 12% वी आर गेटिंग। अच्छा जी, इजी पीजी, चलो लेट्स नाउ डू द लास्ट क्वेश्चन। यूज द इंफॉर्मेशन इन B1 एंड योर आंसर इन B2 टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें क्या पता है, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है, हमें सिग्मा की एक्चुअल वैल्यू भी पता है। सो इफ वी डू नो दैट, हमें पता है कि अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ रही है, वो आ रही है 12। सो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 12 इज एक्चुअली इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा, डेल्टा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इंटू 100। सो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट वाज 1.99 इंटू 10 to the power 8, दैट विल इक्वल टू द अनसर्टेनिटी, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेस। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेस, 2388, एंड वेरी गुड आई, सो 2388, एट, थैंक यू अलमा, 8800, 4 zeros, 1 2 3 4। ठीक है, एंड नाउ अब हमें क्या करना है, लेट्स जो है कोट आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या हो जाएगा ये, लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ दिस, 1.99 इंटू 10 to the power 8 था, ठीक है, 1.99 इंटू 10 to the power 8 था। तो एक काम करते हैं, लेट्स ऑल्सो कन्वर्ट दिस थिंग इंटू टू इंटू, उसको भी 2 into the power 8 कर देते हैं। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 7 हो जाएगा, तो दिस इज बिकमिंग 0.2 इंटू 10 to the power 8, ये बन रहा है। अगर मैं 2.08 का 10 to the power 7 बनता, सो ओवर हियर आई एम राइटिंग 0.2 इंटू 10 to the power 8, और इधर हम इसको अब कितना लिखेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू कोट द एक्चुअल वैल्यू टू, यस आई नो, थैंक यू। देखो टू वन डेसिमल प्लेस, तो 9 इसको राउंड ऑफ करेगा, अच्छा ये राउंड ऑफ होगा, ये और क्या राउंड ऑफ करूंगा, मुझे आगे वाला भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सो 2.0 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यू कुड हैव, नाउ आई विल राइट दिस एज 2.0 इंटू 10 to the power 8, सही है, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम किसी को भी। अच्छा जी, द स्पीड वी ऑफ अ साउंड वेव थ्रू अ गैस ऑफ प्रेशर पी एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाई द इक्वेशन वी इक्वल्स टू रूट ऑफ के पी ओवर रो, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट दैट हैज नो यूनिट्स। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर शोन इन फिगर 1.1, यूज डेटा फ्रॉम फिगर 1.1 टू कैलकुलेट के। अच्छा जी, वेलोसिटी क्या दी हुई है, 3.3 इंटू 10 to the power 2, ठीक है, मेक श्योर करना है कि इस चीज का सब कुछ ऐसा यूनिट्स में ही जाए। देन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, ओके लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज सम थिंग्स, इसको थोड़ा सा तमीज से कर लेते हैं वरना मुश्किल होगी। वी विल डू वन थिंग, हम इधर स्क्वायर लगा लेते हैं और पूरी साइड को स्क्वायर कर देते हैं, सो वेलोसिटी स्क्वायर विल इक्वल्स टू के पी ओवर रो, के पी ओवर रो, एंड देन के इक्वल्स टू वेलोसिटी स्क्वायर रो अपॉन पी। ठीक है, एक्चुअली अब लेट्स प्लग इन द वैल्यूज, सो प्लगिंग इन द वैल्यूज 3.3 इंटू 10 to the power 2 होल स्क्वायर, देन डेंसिटी इज 1.29, एंड देन पी इज 9.9 इंटू 10 to the power 4, सो व्हाट्स द आंसर टू दिस, और इसको हम के की फाइनल वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये सब दोनों दोनों चीजें मुझे बताओगे, ओके 1.419 हमारे पास आंसर आ रहा है, 1.419
नाउ लुकिंग एट दीज वैल्यूज जिससे आपने रख के कैलकुलेट किया है, वॉट शुड आई गिव माई फाइनल आंसर टू? आई डोंट थिंक होनी चाहिए है, सो इट इज 1.4 बिकॉज 2SF ये थी और ये भी 2SF थी, ये वाली 3 थी, तो हमने 2SF तक 1.4 लिख दिया. एंड देन यूज योर आंसर इन B1, तो B1 वाला आंसर K का जो लिखा है 1.4 वो ही आगे लोगे, ठीक है? यू विल नॉट यूज एनी अदर वैल्यू फॉर दैट. And to determine the value of k, well, it's absolute uncertainty with an appropriate number of significant figures. Actually, अगर हमें ढूंढना है k के अंदर absolute uncertainty, so delta k upon k will equals to delta v upon v plus delta rho upon rho and then plus delta p upon p. ठीक है actually, लेकिन अब problem क्या है? Problem ये है कि हमें सारी दी हुई है percentage uncertainties, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या कर लेते हैं, हम इधर 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम इधर सब की इंडिविजुअल 100 से मल्टीप्लाइड हुई भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ही ले सकें, ठीक है? और दूसरी बात ये, हम इधर 2 मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे वेलोसिटी स्क्वायर था. ओके जी, सो अब डेल्टा वी अपॉन वी इन टू 100 क्या था, दैट वॉज 3, सो लेट्स पुट इन 3 ओवर हियर, 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ. डेल्टा रो अपॉन रो That was 4, पूरी चीज 4 थी, ये पूरी चीज 4, तो मैंने 4 ले ली. और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, वो पूरी चीज जो थी वो 2 थी, तो आई टेक दैट होल एज 2. लेकिन इधर ध्यान रखना एब्सोल्यूट आंसर नहीं मांगी है, तो वो नहीं लिख देना, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 अभी भी है और इसको हम 1.4 ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स कैलकुलेट दिस आउट एंड लेट्स वर्क आउट व्हाट डेल्टा के इज कमिंग अप टू बी. सो 6 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 100 and then into 1.4, so 0.168. thank you Alma, 0.168 we are getting as this. Ab bata do final answer kaise likhenge, k ki value 1.4, delta k ki value 0.168, how should I write my final answer? 1.4 and 0.2, thank you very much. theek hai, so 2 decimal places uncertainty, uncertainty to 1 sf, very good. So we are done with this.